दोस्तों, इस संसार में हर किसी को सोना और अच्छे सपने देखना पसंद है। हर कोई सोचता है कि उसके सारे सपने सच हो जाएं। परंतु दोस्तों, हर सपना सच होना भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी इंसान स्वयं सुबह उठकर कहता है, चलो अच्छा हुआ यह सिर्फ सपना ही था। दोस्तों, हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग इच्छा होती है। कोई बेशुमार धन दौलत चाहता है, तो कोई चाहता है कि उसे उसका प्यार वापस मिल जाए। कोई अपने माता पिता की खुशी चाहता है, तो कोई अपने बच्चों के लिए बेशुमार खुशियाँ चाहता है। इसी तरह से दोस्तों, इंसान के अपने अपने अलग अलग सपने होते हैं, जिनको वो दिनों दिन पूरी तरह से प्राप्त करके उन्हें अच्छे रूप से बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता रहता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान अपने सपनों को सच्चे तरह से प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए बेशुमार धन दौलत की अपेक्षा अपनी लगन बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। लगन और मेहनत के सहारे इंसान अपने सपनों को पूरी तरह से सच कर सकता है। दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार सपन के बारे में। आज के दिन मैं आपको बताऊंगा सपन क्या होता है, सपन किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर दिखाई देता है, और दोस्तों जो भी हम सपना देखते हैं उसका क्या फल होता है, जैसा भी दोस्तों हम आयुर्वेद के अनुसार आज जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सपन क्या होता है। दोस्तों, जब मनुष्य पूर्ण रूप से तो नींद में नहीं रहता है और ना ही वह पूरी तरह से जागता है, ऐसी अवस्था में इंसान सपने देखता है। इसे दोस्तों हम आयुर्वेद के अनुसार कह सकते हैं, जब मनुष्य शरीर के अंदर सत्वगुण और रजोगुण के मध्य जो स्थिति होती है, उस स्थिति को स्वप्न कहा जाता है। यानी कि इंसान पूरी तरह से ना तो सोया हुआ है, ना ही वह पूरी तरह से जगा हुआ है, ऐसी स्थिति में देखा हुआ स्वप्न स्वप्न कहलाता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार स्वप्न 7 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है दोस्तों, जो हम देखते हैं उसे दृष्ट स्वप्न के नाम से जानते हैं। दूसरा स्वप्न होता है जिसे हम सुनकर देखते हैं, वो हमारे लिए दूसरा होता है। दोस्तों, इसके बाद होता है अनुभूत, फिर होता है दोस्तों प्रार्थित, 5वें दोस्तों जो आयुर्वेद के अनुसार माना गया है वो है कल्पित, 6ठे नंबर पे भावित, और 7वें नंबर पे होता है दोसज। चलिए मैं दोस्तों आपको एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों, जिनको हम दिन में रात में किसी भी समय हम अपने नेत्रों से देखते हैं, उसे दुष्ट सपन, यानी कि जो पहला सपन देखा जाता है उसे माना जाता है। जैसे दोस्तों हमने दिन में कोई चीज़ देखी है, उसे हम रात को सपने में देख लेते हैं, वो हमारे पहले टाइप का सपन होता है। दूसरा दोस्तों, हम अपने यारों दोस्तों के साथ बैठे हैं, घर के अंदर बैठे हैं और किसी प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, जो भी हम अपने कानों से सुनते हैं, जिन बातों को हम अपनी जागृत अवस्था में देखते हैं, और फिर दोस्तों हम उसको दोबारा अपने सपने में देख लेते हैं, तो उसे श्रुत सपन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जिन घटनाओं को हमारा मन और हमारी इंद्रियां अनुभूत करती रहती हैं, अगर हम उन चीज़ों को सपने में देखते हैं, तो हमें दोस्तों इसे अनुभूत सपन कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर कोई मनुष्य बहुत ही ज़्यादा प्रबल इच्छा करता है कि उसे वह चीज़ मिल जाए, जैसे कोई दोस्तों चाहता है कि उसे धन दौलत मिल जाए, वो दिन और दिन रात हमेशा ही सोचता है कि उसे पैसे मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, उसे उसका प्यार मिल जाए, ऐसी अनाप शनाप बातें सोचता रहता है, तो उसे दोस्तों प्रार्थित सपन के नाम से जाना जाता है। ऐसे दोस्तों, कोई इंसान पूर्ण रूप से कल्पना कर लेता है कि मैं तो पेपर देने से पहले ही पास हो गया हूँ, या फिर मैंने ये काम कर लिया है, या फिर दोस्तों वो सोचता है कि मैं कंपनी में जाने से पहले ही मेरी नौकरी लग गई है, इस प्रकार के अगर कोई सपने देखता है तो उसे पूर्व कल्पना या फिर कल्पना सपन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं को भी मनुष्य सपने में देखता है। और इसके अलावा दोस्तों, जो 7वां सपना होता है वो होता है दोसज सपना, यानी कि दोस्तों जब मनुष्य कभी किसी तरह से बीमार हो जाता है, बीमारी की अवस्था में जो इंसान सपने देखता है उसे दोसज सपन कहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका फल बता देता हूँ। दोस्तों, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो सपना देखा जाता है, यानी कि दोस्तों जो रात्रि का जो सबसे चौथा पहर होता है, जो सबसे लास्ट वाला पहर होता है, उसमें जो सपना देखा जाता है वो अच्छा होता है और बहुत जल्दी फलदायक होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो रात्रि का जो प्रथम पहर होता है, यानी कि दोस्तों जो रात्रि के समय जैसे 12 से 1 बजे का जो पहला पहर होगा, जो पहले 3 घंटे होते हैं उसके बीच में जो पहर देखा जाता है वो अल्प फलदायक होता है। ऐसा सपना 1 से 2 साल के अंदर फलदायक होता है। रात्रि के दोस्तों जो दूसरा पहर होता है, उसमें अगर कोई सपना देखता है इंसान, तो वह 6 से 7 महीने के अंदर फलदायक होता है। रात्रि के जो तीसरा पहर होता है, इस कंडीशन में सपना देखा जाता है, तो वो 3 महीने के अंदर अच्छा फल देता है। और दोस्तों, जो रात्रि का जो चौथा पहर होता है वो 1 महीने के अंदर फल देता है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कौन सा सपना फल देता है और कौन सा सपना फल नहीं देता है। दोस्तों, जो मैंने आपको 7 प्रकार के सपने बताए हैं, एक पहला सपना जो हम अपने नेत्रों से पहले देख चुके हैं और दोबारा हम उसको सपने में देखते हैं, या फिर हमने कोई बात सुनी हुई है,
इसके अलावा दोस्तों हम अपने मन के अंदर जो घटनाएं अपने आप ही मान लेते हैं, किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, किसी प्रकार की पूर्व कल्पना करते हैं। इन प्रकार के दोस्तों जो पांच प्रकार के होते हैं स्वप्न, वो किसी प्रकार का फल नहीं देते हैं, ये सभी प्रकार से निष्फल रहते हैं। आयुर्वेद में इन पांच प्रकार के सपनों को निष्फल कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई इंसान बीमारी की कंडीशन में, व्याधि की कंडीशन में सपने देखता है तो उसका भी कोई फल नहीं रहता है। अगर कोई इंसान यह सोचता है कि मुझे तो ये चीज़ मिल जाए और उसे वो चीज़ सपने में दिखाई देती है तो उसका कोई फल नहीं रहता है। दोस्तों इसमें एक प्रकार का जो सपन होता है जिसमें हम भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं को देख लेते हैं, उसका फलदायक रहता है। कभी कभी इंसान ब्रह्म मुहूर्त में या किसी प्रकार से वैसे ही नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में वो सोया हुआ है, सोने के बाद उसे भविष्य की कुछ घटनाएं दिखाई देती हैं, ऐसा कोई स्वप्न अच्छी प्रकार से फलदायक रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है या कुछ आप हमको बताना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें, हम आपके उस कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयत्न जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को हमारा नमस्कार।